आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर कलावती सेन के नेतृत्व में लघु सचिवालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जहां सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए, वहीं अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करवाने की मांग को दोहराते हुए मुख्यमंत्री के नाम CTM चंद्रकांत कटारिया को ज्ञापन भी सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया तो वे एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करने में भी परहेज नहीं करेंगे। आज हमने हरियाणा सरकार के नाम DC साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर पहले भी 11 सूत्रीय 17 सूत्रीय मांग पत्र पहले भी दे किए जा चुके हैं। आज फिर हमने 17 सूत्रीय मांग पत्र हरियाणा सरकार के नाम दिया है। हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से कि हरियाणा सरकार हमारी सभी मांगों को पूरा करे, और जो हमारा किरायों का इशू है, जो सेंटरों का किराया है, वो लगातार 14 महीने से हमारे पास नहीं आ रहा। 6 महीने से हमारे सेंटरों की सैलरी नहीं आ रही है। जो सेंटर सरकार है वो कहती है कि आपका हम डाल देंगे, परंतु बजट भी लागू हो चुका है। हरियाणा सरकार ये कहती है कि 9 करोड़ का बजट चल रहा है। मैं ये पूछती हूँ हरियाणा सरकार से कि वो पैसेंजर गाड़ी में बैठा है 9 करोड़ का बजट, जो अभी तक थानेसर में पहुंचा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से, सेंटरों का किराया है, सैलरी है, SHG का मेनताना है, और हमारा पोषण ट्रैकर ऐप और क्रिड ऐप है, इनके लिए मूलभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध कराएं। और हम भी चाहते हैं कि हम सरकार का कार्य सुचारू रूप से करें। हमें अल्टीमेटम दिया गया अपनी मांगों को लेकर, आज तो हमने ज्ञापन ही दिया है, परंतु हम लगातार 1 महीने के अंदर 4 बार मांग पत्र दे चुके हैं। अपनी प्रोजेक्ट अधिकारी से हमने बात की थी, हमने पूछा कि जी हमारा जो सेंटरों का किराया है, वो कहने लगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। इतने बड़े अधिकारी हैं मेरे, उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है, प्रोजेक्ट ऑफिसर है, अगर वही कुछ नहीं कर सकते तो हमारे लिए कौन करेगा। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि DC साहब हमारी इस मांग को पूरा करें, और ये पूरी होने लायक है बिल्कुल। ये हमारी जायज मांगे हैं, कोई इसमें हमने लगा बढ़ा के कोई अलग मांग नहीं लिखी। जब से आंगनवाड़ी स्टार्ट हुई है तब से, और एक ही बात है कि काम के लेंगे पूरे दाम, जितना काम लोगे उसके हम पूरे दाम लेंगे। जब कौशल विकास वाले 17,000 पे लग सकते हैं तो हम तो 11,400 में पिट रहे हैं। कुत्ता नहीं पाल सकती सरकार अपना, और हम 11,400 में अपने बच्चे पाल रहे हैं। मेरी तो प्रार्थना है सरकार से कि सरकार समय रहते हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। जय हिंद, जय भारत, जय एकता।